Assalamualaikum everyone, this is Samana Sati, your image consultant and grooming trainer. तो जनाब आज के इस वीडियो में मेरा साथ दे रही हैं ज़ारा, और ज़ारा इज़ अ वेरी गुड मॉडल और बहुत अरसा हो गया साथ काम करते करते. तो आज मैंने रिक्वेस्ट की कि आज हम एक बहुत मज़े की ऑफिस लुक जो है वो रेडी करने जा रहे हैं, तो डू हेल्प मी, आप आए, मैं आपके ऊपर जो है वो एक प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ. तो आज का जो डेमो है हमारा वो उन ख़वातीन के लिए जो कि प्रोफेशनल हैं या जिन्होंने घर की जिम्मेदारियों को रिस्पॉन्ड करने के लिए बाहर निकलना होता है और वो चाहती हैं कि वो एक प्रेजेंटेबल लुक में आ जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बच्चों को स्कूल लेने जा रही हैं या किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रही हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो इमेज है वो दूसरों के लिए एक राइट इमेज आप प्रोजेक्ट कर सकें. तो राइट इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए आपको अपनी अपेरेंस, अपने विजुअल अपेरेंस के ऊपर बहुत फोकस रहना पड़ता है. तो आज हम आपको एक सिंपल सी चीज़ बताएंगे कि विदाउट यूजिंग कॉस्मेटिक्स और प्रिजर्वेटिव से भरे हुए कॉस्मेटिक्स के, आप ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से अपने आप को किस तरीके से वेल प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, मेक ओवर कर सकते हैं और राइट इमेज प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं. तो ज़रा आर यू रेडी? जनाब इस वक्त मैं सिर्फ तीन चीज़ें इस्तेमाल करूंगी, वो है चिल्टन प्योर की. और चिल्टन प्योर की इन तीन चीज़ों के साथ आप देख सकेंगे कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल तैयार होते हैं. तो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो मैं आपको बताती चलूँ. इसमें एक प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी टोनर की, जो कि है रोज़ वाटर. दूसरा मेरे पास है जनाब इनका सन ब्लॉक और सनस्क्रीन, जिसको आप सुबह वेयर कर सकते हैं और बिला झिझक आप अपने घर से निकल के आप धूप का भी सामना कर सकते हैं और हर तरह की पोल्यूशन का भी सामना कर सकते हैं, इतना सेफ है ये. और उसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो है जनाब, जी हाँ, कलर टिंट, जो आप अपनी स्किन टाइप के मुताबिक, स्किन के अंडरटोन और उसके कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने जो टिंट लिया है वो रेडिश लिप एंड चीज टिंट है, क्योंकि ये मैंने ज़ारा के चेहरे को फोकस रखते हुए ये कलर सेलेक्ट किया है. तो जनाब करना क्या है, सबसे पहले अपने बेड से उठना है, उठते साथ अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है. वॉश करने के बाद आपने ये टोनर लेना है. ये आपके पास टोनर आ गया और टोनर को आपने इसके फेस पे प्रॉपरली आइज क्लोज थोड़े से डिस्टेंस पे रखते हुए आपने इसका स्प्रे कर लेना है. स्प्रे करने के बाद अब आप अपने होम चोर्स जो भी हैं, आपने अपने कमरे को थोड़ा नीट करना है, अपना बैग पैक करना है या जो भी करना है, आप वो काम कर सकते हैं. अब 15 मिनट आप इस टोनर को लगा रहने दीजिएगा. तो जनाब आप देख सकते हैं कि टोनर लगाया था और वो ऑलमोस्ट ड्राई होने की पोजीशन में. जैसे ही ड्राई होने लगेगा तो अब मैंने दूसरा काम क्या करना है, 15 मिनट गुजर चुके होंगे तो अब इसके बाद फिर डेफिनेटली मैं उठाऊंगी सनस्क्रीन. और सनस्क्रीन जो है ये आपको प्रोटेक्ट करती है सन रेज से, आपको हर तरह की जो पोल्यूशन होती है उससे, जो भी रिएक्शंस होते हैं आपकी स्किन के ऊपर, उससे सेफ करती है. तो आपने ये देखना है कि आपको जो सन रेज है उससे भी बचना है और हीट से भी बचना है. वो ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं वो भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, नेचुरल ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपको हर तरह के साइड इफ़ेक्ट से बचाती हैं, जो आपको गर्मी की शिद्दत से या सनलाइट से होती है. तो अब हम चूँकि इसने ऑफ़िस जाना है, ऑफ़िस के लिए प्रिपेयर होना है या मार्केट जाना है आपने, या फिर आपने स्कूल जाना है पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, तो हमारे पास अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है. चिल्टन प्योर ने कर दिया है जनाब काम आसान और हमें दिया है बहुत ज़बरदस्त सनब्लॉक. सनब्लॉक की एक अच्छी हैवी अमाउंट मैं लगाने जा रही हूँ इसके फेस के ऊपर. ब्रश भी यूज़ किया जा सकता है, बट आई विल मेक इट मोर कम्फर्टेबल फॉर यू. तो हम एक अच्छी अमाउंट सनब्लॉक की जो है वो इसकी स्किन के ऊपर अप्लाई कर देंगे. अच्छा, गर्दन को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी गर्दन को बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि ये भी आपके फेस का हिस्सा होता है. और जब आप इसको भूल जाते हैं तो फिर ये बहुत बुरे तरीके से एक अलग शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि बहुत बुरा लगता है. जब भी आपने फाउंडेशन, सनब्लॉक या कोई इस किस्म की चीज़ अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, उसको स्कार्स के ऊपर अप्लाई कर दें, ख़ासतौर पर फाउंडेशन और सन क्रीम, ताकि वो ज़्यादातर उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए. और पेनिट्रेट करने के बाद ये जो स्किन है बिल्कुल इक्वली मुलायम और बिल्कुल एक नॉर्मल लुक देने लगती है.
तो मैंने एक अच्छी अमाउंट जो है वो सनब्लॉक की फेस के ऊपर अप्लाई कर दी है। अब मैं बताऊंगी कि हमने इसको किस तरीके से लगाना है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने इसके चेहरे के ऊपर जो है सनस्क्रीन लगा दिया है और एक अच्छी अमाउंट में सनस्क्रीन लगाया है। अब आपकी स्किन को ज़रूरत है कि वो इसको अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर ले। पेनिट्रेट करने के लिए अब आपको बाहर निकलने से, जाने से 10 मिनट या 15 मिनट पहले सनब्लॉक या सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। अब 15 मिनट के लिए अब आप अपने जो भी काम शाम है वो करें और उतनी देर तक ये अच्छे तरीके से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अब इसकी जो स्किन है वो किस तरह इसको पेनिट्रेट कर लेती। अब आप देख सकते हो कि जो हमने सनस्क्रीन अप्लाई की थी उसकी एप्लीकेशन कामयाब रही है। अच्छे तरीके से जो है इसकी स्किन ने उसको पेनिट्रेट कर लिया है और स्किन में एक स्मूथनेस आ गई है, एक फेयरनेस आ गई है। और इसके साथ साथ इसका बेहतरीन फ़ायदा ये हो गया है कि ये सन रेज वगैरह से स्किन को सेफ रखेगा और हर तरह की पॉल्यूशन से सेव रखेगा। तो ये हमारा जो है स्टेप कम्प्लीट हुआ। इसके बाद जो हम फाइनल लुक पर जा रहे हैं वो है हमारा टेंट। टेंट का फ़ायदा ये कि ये आपको लिप में, चीक में और हल्का सा नोज़ पे टच देंगे और आप देखेंगे कि आपकी फाइनल लुक जो है वो आ चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ क्विकली कि इनकी टेंट अप्लाई करने के बाद लुक कैसे होती है। तो जनाब, ये है इतने से टेंट का कमाल। देखिए, मेरी फिंगर पर भी आपको ये टेंट नज़र आ रहा होगा। मैंने जस्ट ब्लेंडिंग की है और लिप्स का कलर देखें, एक्यूरेट वही आया है जो मैंने टेंट का कलर यूज़ किया है। और स्किन के ऊपर देखें, किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ी। नो फेस पाउडर, नथिंग एट ऑल। और हमने इसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर दिया है। तो इतने से टेंट ने किया है इतना बड़ा कमाल। और ज़ारा की जो लुक है वो इतनी प्रेजेंटेबल बन चुकी है कि इस वक्त शी कैन गो टू ऑफिस, शी कैन प्रोजेक्ट राइट इमेज। और अगर कोई भी लेडी जो बाहर जा रही हैं अब वो इससे भी लाइटर मेकअप कर सकती हैं। हमने मेकअप को थोड़ा सा डार्क इसलिए लुक दिया है ताकि आप लोग स्क्रीन पर देखें तो ये देखने में थोड़ा सा लाइट नज़र आता है। तो आई होप आप लोगों को जो ये लुक है वो बहुत पसंद आई होगी। आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हेलो, आई एम इर्ज़ारा गिल। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग कर रही है और मुझे खुद बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतना मतलब आज से पहले कभी इतनी नेचुरल लुक नहीं मेरी आई। तो मैं तो बहुत हैरान हूँ कि आज तो गए इतने पैसे खर्च करते हैं तो दो चीज़ों में इतनी प्यारी लुक आ गई है। सो थैंक यू चिल्तन कि आपने मुझे इतनी अच्छी लुक दी और मैं आज बहुत अच्छा मतलब बहुत प्यारी लग रही हूँ और मुझे खुद को फील हो रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू, बाय।